भाई पन्नू कौन हैगा? पन्नू खोती। जो कुछ तुसी गंदी गाल पन्नू बारे कढ़ सकदे हो, जे किसे नू मोटी सारी गाल कढ़नी होवे तां कह देवे जा ओए तू पन्नू। ठीक है जी, साडी भारत सरकार ने फिर भी 5 दिन का टाइम दिता, तो फिर इंडिया ने जिहड़ी कार्रवाई करनी सीगी उन्होंने आपकी कार्रवाई शुरू की, तो उन्होंने कहता कि असी कनेडा के किसी भी सिटीजन वीज़ा नहीं देवांगे। कनेडा के सिटीजन तो वह भी ने जोड़े साढ़े इतों पंजाबी हिंदुस्तानी गए हुए हैं, सिख भी गए हैं, साडे हिंदू वीर भी गए हैं, तो एंट्रिया तो उन्होंने भी बंद हो गई। NI दीआं टीमां पन्नू होरां दी जमीन के उत्ते कब्जा किया। पन्नू नाल तां ओह गल हो गई हासे वाली कि साढ़े पिंडां दे विच इक गल बड़ी मशहूर आ कि आपदी लैण गया सीगा प्यो वाली भी भजवा आया आ, उहदे नाल तां इह सी कि दबाउण लग्गिया सी लोकां नूं खालिस्तान, ते उह जमीन आपदी तों वी हथ धो के बहि गई। आपां नूं कोई डर नहीं हैगा किसे गल दा, ते मैं शरेआम जिहड़ा कुछ कहिणा शरेआम कहिणा। नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो डेली डोज TV चैनल। इस चैनल दे जरिए तमाम शख्सियतां नाल समय समय ते जानू करवाया, ते अज गल करांगे साडे नाल ने सरपंच मिका गिल बाई हुणी। लगातार मुद्दा चल रहा है कि कनेडा ते भारत दे विच जो भी वार्तालाप इस समय चल रही ने वो सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, ते नाल दी नाल तुहानू दसांगे इसका प्रभाव की पै रहा साडे इंडिया दे उत्ते जां कनेडा दे उत्ते प्रभाव की पै रहा, ये असल मुद्दा भी है। धन्यवाद संप्रीत जी, और साढ़े देखने वाले स्रोतों का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े सानू समय समय से एप्रीशिएट करते रहते, साडा हौसला बढ़ाते रहते जी। की कहना चाहते हो तुसी भी जाणू इस चीज़ तो कि कैनेडा ने शुरुआत की है उत्थों के प्रधानमंत्री ने ट्रूडो होरां ने, ते उस तो बाद इंडिया ने भी उसका जवाब दिता है, तो इस तरह की वार्तालाप नू की जानते हो तुसी? देखो जिहड़ा कैनेडा के प्रधानमंत्री ने ट्रूडो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी पार्लीमेंट के कि जिहड़ा उत्थे अत्तवादी हरदीप सिंह दा निजर दा कतल होया वा कनेडा गुरद्वारा साहब के बाहर, उहदे विच साडी भारत की एजेंसी का सीधा सीधा हाथ है, तो जिहड़े साडे उत्थे राजदूत सीगे इंडिया वल्लों कनेडा दे विच, ते इन्हां ने उन्हां दा नाम भी लिया कि उन्हां दे नाल मिल के जिहड़ी इहदी मर्डर की जिहड़ी घटना करवाई गई है तो ये प्लैन किया गया, परंतु जिहड़ा ट्रूडो साहब ने कोई सबूत पेश नहीं किया, क्योंकि एडे वड्डे अहुदे उत्ते एक कनेडा मुल्क आ उहदा एक प्रधानमंत्री आ, एक देश का प्रधानमंत्री अज एक स्टेटमेंट दे रहा, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी स्टेटमेंट आ, कोई इन्हां कोले सबूत नहीं हैगा कि असीं जी आह बंदे फड़े ने इन्हां ने मन्निया वा जां असीं आह एक चैनल ट्रेस किया वा। खालिस्तान की आवाज़ नूं किवें देखदे हो तुसीं? खालिस्तान है ही नहीं कुछ, खालिस्तान जिहड़ा वा ये साढ़े 1984 दे विच जदों संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले हुंदे सीगे उस टाइम दीआं गल्लां ने, जदों हजे अटैक नहीं सी होया दरबार साहब ते फौजां नहीं सी चढ़ के आईआं, उस टाइम ये जिहड़ा लफ्ज़ सीगा ये खालिस्तान पाकिस्तान ने उन्हां दे मूँह दे विच पाउंदे सी जबरदस्ती, पत्रकार जा जा के उन्हां नूं कहिंदे सी कि संत जी तुसीं खालिस्तान मंगदे हो, वह कहिंदे कदे मंगिया तां है नहीं, जे कोई दे दूगा तां ठीक आ, जब कोई एक चीज़ ही है नहीं हवा दे विच महल उसारन दा की फायदा, उस जे पंजाब आ साडा जे असीं चलो मन लैंदे आ कि महाराजा रणजीत सिंह दा राज सीगा जी असीं उहनूं खालसा राज कहिंदे आ, असीं भी हाँ उस राज दे खालसा राज दे, पर जिहड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू हुणी साडे नौजवानां नूं भड़काउंदे ने इत्थे सानूं सिर्फ पंजाबियां नूं टारगेट किया होया, भारत नूं टारगेट किया, साडा खालसा राज तां काबल कंधार तक सी, लाहौर साडी खालसा राज दी राजधानी सी, ते पहलां पन्नू उह कद नहीं दबदा हैगा, नाले इह तां पंजाब तां इक स्टेट आ ना, पाकिस्तान तां इक बहुत वड्डा मुल्क आ साडे भारत दे बराबर दा मुल्क आ उह, तो पहला असं वो मुल्क दबदे हाँ उधरों शुरू होंगे तो नाल काबलिंग आधार तक जावे, तो पंजाब तो साढ़े को है ही है। भाई पन्नू कौन हैगा? असल मैं जानना चाहना कि पन्नू है की है? पन्नू खोती, पन्नू कुत्ता, जो कुछ तुसी गंदी गाल पन्नू बारे कढ़ सकते हो पन्नू ओह, साढ़े दो मुल्कों के पाड़ पाने वाला पन्नू, ISI का एजेंट पन्नू, सिखी का भेख धारिया होया, वैसे सिखी का भेख तो वह वैसे भी नहीं बनाया हुआ ना, वह पग बांधा ना वो दाढ़ी रखी हुई है, वह पन्नू नकलची अफीमची वह पन्नू जिहड़ा हुण डरदा फिरदा वह पन्नू, ते खालिस्तान खालिस्तान करदा फिरदा वह पन्नू, अत्तवादी पन्नू वक्खवादी पन्नू, इहदी डेफिनेशन ही बहुत ने पन्नू दी, जे किसी नूं मोटी सारी गल कढ़नी होवे तां कह देवे जा ओए तूं पन्नू। ठीक है जी, की कहना की चाहते हो? देखो पन्नू हुणी लगातार इस दे उत्ते टिप्पणियां दिंदे आए ने हमेशा, ते तुसीं उहनां दा काउंटर भी करदे हो, तां असल कहानी की है ये पूरी मैं वो जानना चाहना हाँ। देखो जी असल कहानी तो साढ़े पंजाब नू खत्म करन दी है। वो किस तरह खत्म, किस तरह हो सकती है? पंजाब खत्म ही नहीं हो सकता कहिंदे ने, पंजाब तो डे बाय डे खत्म हुंदा, तुसीं पहला एक छोटा जा अंदाजा लाओ कि जिहड़ा ये हुण कनेडा दे भारत दे विच जिहड़े संबंध खराब होए ने सिर्फ पन्नू हुणा करके होए ने, होर किसे करके नहीं होए, निजर एक अत्तवादी मारिया गया, साडा इत्थे पंजाब इंडिया दा डिक्लेयर किया होया अत्तवादी, असीं सबूत दित्ते
कि आह देखो जी ये इस तरह कर रहा तो उत्थे अतवाद को बढ़ावा दे रहा। यह अतवाद किसी का सका नहीं है। पहला अमेरिका भी नहीं इस चीज़ को मानता होंगे, पर जदों तक अमेरिका के अटैक होया ना उदों 9/11 वाला, उस तो बाद ओसामा बिन लादेन वाला जो उन्होंने अटैक किया उस टाइम अमेरिका मनिया कि अतवाद है। पहला तो अमेरिका भी नहीं मानता कि अतवाद है, जो आपदे पैंदियां उदों पता लगता। तो हुण साढ़े जिहड़े इत्थे बंब धमाके करवा रहे हैं, इत्थे साढ़े नौजवानों दी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, साडू लोगों इत्थे साढ़े नौजवानों मुंडियां नूं मरवा रहे हैं, वो लोगों ये उत्थे राजसी शरण दे रहे हैं। उत्थे यही चीज़ों का जे इत्थे FIR होंदी आ तां उस चीज़ नूं कह के जी सानूं असालम दे दो जी, सानूं इत्थे राजनीतिक शरण दे दो, उन्हां नूं राजनीतिक शरण मिल रही आ। ये जिहड़ा असली घाटा पै रहा वा, पहली गल तां तुहानूं मैं डिटेल च दसदा कि 15,500 पंचायत आ पंजाब दे विच, नगर कौंसल और शहर छड्ड दिओ, जिथे कौंसलर बनते हैं जिथे नगर कौंसलर इलैक्शन होंगे ने वो चीज़ा छड्ड दिओ, सिर्फ कल्ला पेंडू एरिया दसदा कि 15,500 पंचायत आ। 15,500 पंचायत दे विचों अगर 10 बच्चे भी कुड़ियां जां मुंडे एक पिंड चों गए होणगे, जबकि गिणती तो बहुत ज़्यादा 50-50, 100-100 तक की गिणती भी है, मैं सब तो छोटी गल करके उदाहरण दे के दसदा, अगर 10 बच्चे भी गए होणगे तो 15,500 नूं पहलां 10 नाल गुणा कर लिओ, उस तो बाद 25 लाख नाल कर लिओ, तो मैं कहना थोड़े कैलकुलेटर दे विच जीरोआं खत्म हो जाणगियां। इन्ना पैसा हर साल साडा कैनेडा जा रहा, नाल साडी नौजवानी जा रही है जी। कारण की है, क्यों जाते हैं, मैं ये भी जानना चाहना हाँ। देखो समय समय से साढ़े एक होड़ बनी हुई है कि यार विदेशों विदेश बड़े वधिया ने, उत्थे मुल्क बहुत वधिया ने, ठीक है असी भी मान लें, सहूलत भी है, जिहड़ा बंदा मेहनत करेगा वो उत्थे जाऊगा, क्योंकि साढ़े पंजाब में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, जिहड़ियां पिछलियां सरकार आई हैं कांग्रेस जां अकाली दल हुण तक जां हुण आम आदमी पार्टी है, इन्हां सरकारां ने पंजाबी जिहड़े नौजवानों लई कुछ नहीं किया, साढ़े यूथ लई कुछ नहीं किया है, उन्हां नूं कोई चंगीआं सिख्यावां नहीं दित्तियां हैगियां, उन्हां लई कोई चंगे स्कूल कॉलेज नहीं खोले हैगे, उन्हां दा कोई माइंड नहीं डिवेलप किया है, उन्हां दा माइंड सिर्फ इन्ना रह गया कि जी तुसीं पढ़ो, पढ़ के जिहड़ा जनरल कोटा और रिजर्व कोटे दा इहदा भी एक वक्खरा मैटर आ कि जनरल कोटे वाले तां भुल ही गए कि सानूं नौकरी भी मिलेगी कदे, तो वो चीज़ों च उन्हों का तो माइंड बस इन्ना ही सैट हो गया कि जी असी पढ़ना 12वीं करनी है, 12वीं करनी तो बाद असी आइलैट्स करना, जे नहीं होया तो किसी आइलैट्स वाली कुड़ी नाल विआह करना तो असी बाहर जाके सैट हो जाना बस। तो इत्थे जिहड़ियां दुश्मनियां, इत्थे जिहड़ा नशा वा, जिहड़ा बार्डर पार तो इन्ने ड्रोन आ रहे ने नशे दे, इत्थे इन्ने इन्ने 20-20 किलो हैरोइन आ रही आ, तो वह सारे उस कासे करके साडा नौजवान दिनों दिन मर रहा वा, इस करके वह पंजाब छड्ड के बेरोजगारी होण करके नशियां तो बचण करके इत्थे दुश्मनियां तो बचण करके बाहरले मुल्कां वल मूंह करदे। लोकी तुहानूं लगदा है कि चिंतित ने कि इस तरह की जो टिप्पणियां एक दूजे प्रधानमंत्रियों वालों दित्तियां जा रही ने, लोकी इस तो चिंतित होए ने? बिल्कुल चिंतित होए ने। देखो जिहड़े इंडिया ने पहला तो पहल तो की आ, कनेडा ने उन्होंने साढ़े उत्थों राजदूत जी को कढ़ता, तो असी की आ कि साड़ी भारत सरकार ने फिर भी 5 दिन का टाइम दिता उन्होंने राजदूत को कि क्लीयर कर लो, तो 5 दिन बाद साडा देश छड्ड दिओ, अगर तुहाडा देश नहीं मानता तो अब साडा देश छड्ड के चले जाओ। सैकंडली साढ़े फिर इंडिया ने जिहड़ी कार्रवाई करनी सी, उन्होंने आपकी कार्रवाई शुरू की, तो उन्होंने कहता कि असी कनेडा के किसी भी सिटीजन वीज़ा नहीं देवे, इंडिया के एंट्री बंद करती। कनेडा के सिटीजन वो नहीं है जिहड़े उत्थे दे जमपल ने अंग्रेज़ ने, कनेडा के सिटीजन तो वह भी ने जिहड़े साढ़े इत्थों पंजाबी हिंदुस्तानी गए हुए हैं, सिख भी गए ने, साढ़े हिंदू वीर भी गए हुए हैं, उत्थे ते बहुत सारिया फैमिलियां जिहड़ियां कि 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई उत्थे गया नूं, ते दहाके हो गए बीत गए, वो उत्थे दे पक्के सिटीजन बने हुए हैं, तो एंट्रियां तो उन्हां दियां भी बंद हो गई, असली घाटा तो वह पिया। ये पन्नू वर्गे 4 टोटरू उठ के कह देंगे ने कि नहीं जी सानू खालिस्तान चाहिए, पर जिहड़ा इहदा नुकसान आ वह तो पहले ही दिख गया कि अज साढ़े जिहड़े इत्थे पंजाब दे बच्चे जां कोई साढ़े हिंदुस्तान दे हिंदू सिख जिहड़ा साडा भाईचारा उत्थे इन्ने चिर तो गया है, जिन्हां ने एडे एडे बिजनेस खड़े कीते ने, एडे एडे अफसर बन गए, उत्थे MP तक बन गए ने, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन तक बन गए ने, उन्होंने तो इंडिया च एंट्रियां बंद हो गई, वो तो हुण इंडिया आ ही नहीं सकते है, तो सीधा सीधा नुकसान ये खालिस्तान मंगते मंगते होर पासे नूं चल पे जी, इन्हां तो 2 मुल्क ही लड़ा दते आपस में। तो हुण तुसीं जे समाज नूं देखा जाए साढ़े इंडिया दे विच लोक चिंतित होए ने, तुहानूं भी जाणू आ, तो जे इस तरह कनेडा दे विच भी लोग परेशान तो होंदे होणगे, तां हुण जे देखा जाए इस दे उत्ते तुहाडी टिप्पणी की है कि जिहड़ियां NI दीआं टीमां ने कल पन्नू होरां दी जमीन दे उत्ते कब्जा कीता आ उस बारे की कहना चाहुंदे? जिहड़ी NIA ने कार्रवाई की आ पन्नू नाल तां उह गल हो गई हासे वाली कि साढ़े पिंडां दे विच इक गल बड़ी मशहूर आ कि आपदी लैण गया सीगा प्यो वाली भी भजवा आया आ कि लैण तां ब्याहुण तां मतलब आपदी घर वाली गया सी, जदों वापस आ के देखिया तां उत्थे प्यो वाली भी भज गई, तो वो दे नाल तां इह सी कि दबाउण लग्गिया सी लोकां नूं खालिस्तान, तो वह जमीन आपदी तो भी हथ धो के बह गया, ना जमीन रही तो ना वो कोठी रही,
तो दूसरी गल जी मैं तुम्हें वही गल कह लग्या वो तुम भी सोशल मीडिया से देखो आपको कोई डर नहीं है किसी गल का तो मैं शरेआम जो कुछ कहना शरेआम कहना कि पन्नू साहब जी जमीन होंगी है वो जट की माँ होंगी है तो थोड़ी तो माँ ही कोई चक के लै गया तो जो हिम्मत हैगी पहले आपकी माँ छड़ा वो इतने पंजाब के फिर थोड़ू दस दें फिर तुम खालिस्तान दल्ला करो तो उन्होंने फुफड़ा लै आओ आपके पाकिस्तान वाले आई एस आई वालों उन्होंने भी कहो ट्रूडो भी नाल लै आओ जो थोड़ा दिल करता कि ट्रूडो भी लैके आना उन्होंने भी नाल लै आओ पहले आपकी माँ बचा लो खालिस्तान लोगों को बाज दवा दौ क्योंकि तू तो आपके प्यो वाली ही भजाती तेरी की बचनी सी बिल्कुल तुम इस पूरी घटनाक्रम देखद होया समाज में की कहना चाहते हो समाज में मेरी ये बेनती है कि मैं पहले भी अपील की कि बचो इन्हों लोगों को इन्हों का कोई वजूद नहीं है अपना जोड़े आपके मात भूमि के नहीं होए जोड़े अपने जन्मभूमि के नहीं होए जिथे ये जन्मे ने जोड़े वे नहीं होए वह बगाने मुल्कों के कितने हो जाएंगे तो देखो जे तुम कहने कि असी पंजाब के खालिस्तान लेके आना यह तो ना बनया तो ना असी बन देना तो ना थोड़े जिंदगी थोड़ी भी लंघ जानी साड़ी भी लंघ जानी तो ना रही दुनिया का खालिस्तान बनूगा तो बच्चे मुड़ नहीं सकते हैं जो सिटीजन हो गए उधर बच्चे उधर बैठे रहेंगे मापे इधर बैठे रहेंगे इस करके समाज में चाहिए कि सही नू सही तो गलत नू गलत कहना सीखो खालिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी सिर्फ आई एस आई पाकिस्तान वालों एक मैनोपलेट की हुई एक लफ्ज़ आ जिहड़ा कि जबरदस्ती तुहाडे मूँह दे विच पाया जा रहा तुहाडे मना दे विच पाया जा रहा सो इस खालिस्तान लफ्ज़ तो छेती खड़ा छड़ा लो अपनियां जिंदगियां बना लो आपके बच्चे पढ़ा लो आई एस अफसर पी सी एस अफसर पी पी एस अफसर आई पी एस अफसर बनवा लो उन्होंने चंगियां नौकरियां ते लवाओ तो अपने आप खालसे का राज आजूगा जब तुहाडे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उन्होंने इत्थे एजुकेशन दवाओ उन्होंने इत्थे चंगियां नौकरियां मिल जाएंगी तुहाडा ही राज आ पंजाबियां दा पंजाब इत्थों बाहरों तो नहीं कोई आके इत्थे राज करूगा सो बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं सानूं अपना कीमती समां दित्ता ये सन साढ़े नाल सरपंच मीका गिल जिन्होंने हमेशा हमेशा हिंदुस्तान की गल की है तो नाल दी नाल शांति बनाने की गल की है लोगों गुमराह होने तो बचाने की गल की है तो इस तरह दियाँ अपडेट्स तुहानू हमेशा देंदे रहांगे हुण लई दिओ इजाजत प्रीत डुगरी दे नाल सरपंच मीका गिल की खास रिपोर्ट धन्यवाद।